हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है अपराजिता का प्लांट। अगर अपराजिता का प्लांट आपका सूख रहा है, उस पर फ्लावरिंग आना बंद हो चुकी है, तो क्या आपको करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे बम्पर फ्लावरिंग आपको सर्दियों तक मिलती रहेगी, आज का मेरा यही टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो अपराजिता का प्लांट है वो एक परमानेंट प्लांट है। ये मार्च से नवंबर तक फ्लावरिंग खूब अच्छे से करता है। अगर आपकी तरफ दिसंबर में ज़्यादा ठंडक नहीं पड़ती है तो ये दिसंबर में भी फ्लावरिंग करता है। 2-3 महीने रेस्ट पर रहता है, फिर इसकी रूट प्रूनिंग और खाद पानी देने के बाद ये फिर से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। बट अगर इस मौसम में, इस महीने में आपका प्लांट सूख रहा है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिसका प्रयोग आप अपने प्लांट पर करिए। अगर वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं जो मैं बताने जा रही हूँ, फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं, तो आपका भी प्लांट बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेगा और साथ ही साथ फ्लावरिंग करेगा। पहले नंबर पर टेम्परेचर, और सब चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, लेकिन सबसे पहला अगर देखा जाए फ्लावरिंग के लिए तो वो है टेम्परेचर। इसकी फ्लावरिंग करने का जो सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है वो है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसके बीच में आपकी तरफ टेम्परेचर है तो फ्लावरिंग आपका प्लांट बहुत अच्छे से करेगा। कम जब टेम्परेचर होगा या रात में जब ओश गिरने लगेगी, तब ये पत्तियाँ पीली करना, झड़ना स्टार्ट कर देगा और इसकी फ्लावरिंग भी कम हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी तो कोई ओस नहीं पड़ रही है और टेम्परेचर भी 30 के समथिंग है, तो फ्लावरिंग करने का बहुत ही अच्छा मौसम है। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, आपकी तरफ कितना टेम्परेचर है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है मिट्टी। मिट्टी में हमेशा नमी बना के रखें, क्योंकि मेरी तरफ बहुत ही तेज़ धूप निकल रही है। मिट्टी सुबह पानी डालो, शाम को सूख रही है। ऐसा आपकी तरफ भी है तो आप सुबह शाम पानी डालिए, मिट्टी में हमेशा नमी बना के रखिए। लेकिन मिट्टी कीचड़ युक्त नहीं करनी है, बस नमी बना के रखनी है। आपने देखा होगा जब बरसात थी तब इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही थी, जिसका मेन कारण है मिट्टी में नमी का होना। तो मिट्टी में अगर नमी बना के रखते हैं तो पत्तियाँ भी इसकी पीली नहीं होंगी और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से होगी। तीसरा पॉइंट है सनलाइट। आपने देखा होगा अगर आपने अपना प्लांट शेड में रखा है, पूरे दिन की अगर सनलाइट इसको नहीं मिलती है तो फ्लावरिंग कम हो रही होगी और जो फ्लावर निकल रहे होंगे वो डार्क शेड में निकल रहे होंगे, डार्क ब्लू शेड में। लेकिन ये मेरे प्लांट आप देखिए, ये फुल सनलाइट में रखे हुए हैं। जितनी भी देर धूप रहती है पूरा पूरा इनके ऊपर धूप पड़ती है, जिसके कारण मेरे जो अपराजिता के फ्लावर कुछ लाइट कलर के हैं। तो जैसा आप इनको सनलाइट देंगे ये वैसे ही ग्रो करेंगे। लेकिन सनलाइट इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, कम से कम 5-6 घंटे की तो सनलाइट इनको मिले ही। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र अब ये लास्ट है, इसके बाद हम हैवी फर्टिलाइज़र इसको नहीं देंगे। आगे जो मंथ आने वाले हैं वो इनके रेस्ट का पीरियड होगा, जिसमें ये सो जाएंगे प्लांट, तो इनको बहुत ही ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र नहीं देना होगा। हाँ, दे सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, इनको समय समय पर महीने में 1-2 बार दिया जा सकता है, लेकिन हैवी फर्टिलाइज़र अब इसके बाद नहीं देंगे। इस समय मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ, तो ये है कंपोस्ट। कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, लीफ मोल्ड ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट या काउडंग। मैंने काउडंग लिया है। दूसरी चीज़ मैंने ली है सरसों की खली। सरसों की खली इस मौसम में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रात में जो हल्का फुल्का ओस वगैरह पड़ती भी है तो उससे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। सरसों की खली सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट फर्टिलाइज़र माना जाता है। आपने देखा होगा मेरे इस पॉट में 2 प्लांट लगे हैं, दोनों को मैंने सीड्स के थ्रू लगाया है और ये पॉट मेरा 16 इंच का है, काफ़ी बड़ा पॉट है, तो इस हिसाब से मैंने फर्टिलाइज़र बनाई है। 100 ग्राम वो मेरा काउडंग था और 2 चम्मच सरसों की खली, उसको मैं डालूँगी। और इसमें सबसे पहले तो हम प्लांट की मिट्टी में जो भी खरपतवार वगैरह लगी है उसको साफ़ कर लेंगे,
और फिर मिट्टी को किनारे किनारे की मिट्टी को हम ऊपर की ओर चढ़ा देंगे। आप देख रहे हैं कि मेरी सारे रूट्स कट रही हैं प्लांट की, मतलब ये प्लांट की रूट बाउंड हो चुकी हैं। लेकिन इस समय रूट प्रूनिंग नहीं करने वाला है क्योंकि दो महीने ही बचे हैं इनकी फ्लावरिंग का, तो इसलिए इस समय रूट प्रूनिंग करने के बजाय ऊपर से मिट्टी आप आधी आधी हटा दें और फिर अच्छा खासा जितना मैं फर्टिलाइज़र आपको बता रही हूँ उतना फर्टिलाइज़र डालें ऊपर, इस तरह से किनारे किनारे से मिट्टी ऊपर की ओर चढ़ा दें ऐसे। और दो प्लांट लगे हैं तो उस हिसाब से ये न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा मांगते हैं, फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा मांगते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाला है। तो इस तरह से हम चारों तरफ इसको फैला देंगे और ऊपर से हम मिट्टी को कवर कर देंगे इस तरह से। आप देख रहे हैं कि मैंने सुबह पानी दिया था तो मिट्टी थोड़ी सी नम है, तो जब शाम को ये मिट्टी सूख जाएगी, हल्की सी मॉइश हो जाएगी, तब हम एक चीज़ इसमें डालेंगे पानी की जगह, तो वो है प्याज के छिलके जो कि मैंने रात में ही भिगो दिए थे। ये दो प्याज के छिलके हैं, रात में इनको भिगोया था, फिर छान के हम जितना ये प्याज का पानी होगा उतना ही पानी सादा मिक्स करके हम उस पर डाल देंगे। इसकी बजाय आप बनाना जो पील होता है और जो एलोवेरा का जो होता है स्टिक, उसका फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं। दोनों ही बेस्ट फर्टिलाइज़र हैं फ्लावरिंग लाने के लिए। तो ये फर्टिलाइज़र मैंने किसी और वीडियो में बताया था, लेकिन इस पे भी आप डाल सकते हैं। बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र होता है वो फ्लावरिंग लाने के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र माना जाता है। तो इस तरह से हम सादे पानी में मिक्स करके अपने अपराजिता के प्लांट में डाल देंगे खूब अच्छे से। तो पहले तो हम मिक्स कर लेंगे इसको और अपराजिता के अपने प्लांट पर डाल देंगे। ये इस तरह का फर्टिलाइज़र आप 7-7 दिन पर अपने प्लांट पर डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा बेस्ट फर्टिलाइज़र है फ्लावरिंग लाने का के लिए। तो ये आप डालिए। और साथ ही साथ मैंने जो आपको केयर टिप्स बताई हैं, जो चीज़ें बताई हैं फ्लावरिंग लाने के लिए, तो उन पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होगा, सनलाइट इनको नहीं मिलेगी, मिट्टी अच्छी नहीं होगी, तो ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। फिर आप चाहे जितना अच्छा फर्टिलाइज़र दे दें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको बताया कुछ आपके यूज़ का होगा। अगर यूज़ का है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।